गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और सबसे पहले हम एक ग्रुप में पढ़ेंगे कुछ ट्रेंड्स के बारे में। हमारे कुछ जो ट्रेंड्स हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज है, आपकी वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर हैं, वो जब हम अपनी पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, वेदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेदर फ्रॉम अप टू डाउन, तो बड़े सारे चेंजेस हमें नजर आते हैं। वही ट्रेंड्स किस तरीके से वेरी करते हैं इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द वैलेंसी। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैलेंसी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन माई प्रीवियस लेक्चर्स। वॉट इज वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है उसे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या शेयर करने हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो उसका मेन पर्पज एक ही होता है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, और स्टेबल होने की वजह से वो बॉन्ड्स बनाता है जिससे कि उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जब वो बॉन्ड्स बनाए तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाए और उसके बाद उसे किसी और से बॉन्ड बनाने की जरूरत ना रहे। द मेन पॉइंट इज दिस। सो क्लास, अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी तो हमें समझ में आ गई कि वैलेंसी क्या होती है, कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, दैट इज बेसिकली वैलेंसी। Now, what are valence electrons? The number of electrons which are present in the outermost shell of an atom are known as valence electron. शुरू में जब हम दो तीन चार ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे जो valence electron है, जो हमारी valency है, वो बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते जाते हैं एक पीरियड में, वैसे वैसे हमारे valence electrons तो बढ़ते चले जाते हैं और हमारी valency कम होती चली जाती है। क्यों? जरा देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और उसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होकर आएगा 2 and 6। तो 6 जो नंबर है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स मोर? इट रिक्वायर्स ओनली 2 electrons, उसको 2 electrons और चाहिए, और जैसे ही उसको 2 electrons मिलेंगे वैसे ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है दैट इज 6, लेकिन अगर मैं वैलेंसी की बात करूंगी दैट इज ओनली 2। 8 में से 6 को माइनस करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैलेंसी। इससे पहले भी जब मैंने आपको वैलेंसी का ये पॉइंट डिस्कस करा था तो उसमें बताया था वैलेंसी, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, 2, 3 या 4 है तो आपकी वैलेंसी भी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5, 6, 7, 8 होता है तब आपकी वैलेंसी चेंज हो जाती है। तब आपकी जो वैलेंसी होती है उसको हमें 8 में से माइनस करके लेना पड़ता है, एंड दैट इज वाई हमारी वैलेंसी में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कहीं कहीं पर वेरिएशन हमें मिलता है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से एक ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो वेरी करती है, और किस तरीके से जो वैलेंसी है वो एक पीरियड में वेरी करती है। नाउ यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 2। ये मेरे तीनों ग्रुप 2 के एग्जांपल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसके अलावा इसमें स्ट्रोंशियम भी आता है, बेरियम भी आता है, ठीक है, रेडियम भी आता है। वो एलिमेंट्स मैंने नहीं लिए, मैंने सिर्फ 1 से 20 तक आपको कराया है, तो मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिए हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं। बेरिलियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 4 है, मैग्नीशियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 12 है, एंड कैल्शियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 20 है। जब हम इन तीनों एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, एंड दैट इज वाई दे आर द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। इसीलिए ये एक ग्रुप के मेंबर हैं। एक ग्रुप के मेंबर की ये पहचान होती है कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है, दैट इज सेम।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको अभी डिस्कशन के दौरान भी बताया कि अगर आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1, 2, 3 या 4 है तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आपकी वैलेंसी सेम रहेगी। लेकिन अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5, 6, 7 या 8 है तो आपको उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द वैलेंसी। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2। इनके आउटर मोस्ट में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंसी और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेगा, दैट इज 2। अभी इस स्लाइड को अभी हम और आगे देखते हैं। नाउ यहां पर मैंने ग्रुप 13 के 2 मेंबर्स लिए हैं, बोरोन एंड एल्युमिनियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13। आप देख सकते हैं इनका कॉन्फिगरेशन, दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हैं, 3 यहाँ पर, एंड दैट इज वाई दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब ये 13 ग्रुप क्यों आया है, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि 1 और 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर अगर आपका 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के बीच में 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसका ग्रुप निकालने के लिए आपको 10 प्लस करना पड़ता है, एंड दैट इज वाई दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13। तो इससे हमें एक चीज क्लियर होती है इस पॉइंट से कि जो हमारी वैलेंसी है या जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ग्रुप में, मतलब जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं उनमें सेम रहता है। एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वैलेंसी और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों सेम रहेंगे। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन। इस पॉइंट का जो डिस्कशन का मेन मोटिव था वो यही था आपको समझाना कि जो आपके वैलेंसी है और जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप एक ग्रुप में मूव कर रहे हैं, आप वर्टिकल कॉलम्स में मूव कर रहे हैं, तो दैट रिमेन सेम फॉर अ ग्रुप, वो एक ग्रुप के लिए सेम रहती है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में हम अब एटॉमिक साइज देखेंगे कि एटॉमिक साइज एक ग्रुप में किस तरीके से वेरी करता है। ना यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एटॉमिक साइज के बारे में बता दूं कि व्हाट इज एटॉमिक साइज। बेसिकली एटॉमिक साइज का मतलब है एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज द साइज। भाई एटॉमिक साइज का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज का मतलब है कि रेडियस ऑफ द एटम, और किसी भी सर्कल का, किसी भी स्फीयर का रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटर जो होता है उस सर्कल का या उस स्फीयर का, वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कमफ्रेंस तक, और जो मेजरमेंट आता है दैट इज द रेडियस ऑफ द एटम। सेम यहां पर भी है, यहां पर भी एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में है, तो अगर आप उसका साइज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहां पर भी वही करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज नोन एज द एटॉमिक साइज। अब अगर हम एक ग्रुप में बात करें, एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं, लेट्स सी। देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 के ये मेंबर्स हैं। जब आप इनका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आया 2-1, यहाँ पर आया 2-8-1, यहाँ पर एक शेल बढ़ गई, यहाँ पर आया 2-8-8-1, यहाँ पर एक शेल और बढ़ गई। रुबीडियम और सीजियम का इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम रुबीडियम का करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2-8-18-1 और यहाँ पर आएगा 2-8-18-18-1। दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द दीज टू एलिमेंट्स। आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली 1 to 20 तक एलिमेंट्स हैं, इसीलिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप जा रहे हैं तो हर एक लेवल पर एक शेल ऐड हो रही है, और एक शेल जब ऐड होगी तो क्या होगा, उसका रेडियस जो है एलिमेंट का वो बढ़ेगा, और एलिमेंट का रेडियस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इसका मतलब उसका एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। तो इस कंक्लूजन से, इस डिस्कशन से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि व्हेनेवर वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ जब हम मूव करते हैं ग्रुप में, तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है, और अगर आप इसका अपोजिट मूवमेंट करेंगे, आप बॉटम से टॉप की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो नेचुरल सी बात है एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। नॉर्मल
कंडीशन अगर हम देखें, अगर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा यही ऑर्डर होता है इन दोनों को, जब इन दोनों का, वैलेंसी का भी और एटॉमिक साइज का भी। अब हम पीरियड्स में देखेंगे कि हमारे पीरियड्स में किस तरीके से हमारा जो ट्रेंड है वो वेरी करता है। तो सबसे पहले हम वैलेंसी के बारे में ही देखेंगे। हमें पता है वैलेंसी क्या होती है, कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। यहाँ पर मैंने पीरियड टू और पीरियड थ्री आपको दिखाया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, और ऐसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट पीरियड में अगर मैं जाऊंगी तो मेरा पोटेशियम और कैल्शियम भी आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर टू वन था, यहाँ पर वन था, ये ग्रुप वन का मेंबर है तो इसलिए इसकी वन थी वैलेंसी। टू में आ गया तो टू हो गई, थर्टीन में आ गया तो थ्री हो गई, फोर हो गई, फाइव हो गई, सिक्स हो गई, सेवन हो गई, एट हो गई। क्या इससे हमारा कंक्लूजन निकल रहा है? इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो हमें क्या मिलता है? हमारा जो वैलेंसी है वो शुरू में इंक्रीज होती है और बाद में डिक्रीज होती है। कैसे, जरा देखिए। शुरू में इंक्रीज होगी, यहाँ वन है तो यहाँ वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन रहेंगे, यहाँ पर टू है यहाँ पर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू रहेंगे, यहाँ पर थ्री है यहाँ पर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थ्री रहेंगे, और यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर भी हमारी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फोर रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो फाइव होंगे, लेकिन यहाँ हमारी वैलेंसी होगी एट, क्योंकि हमें ऑक्टेट पूरा करना है, हमें आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो इसको अपने एट इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सिर्फ तीन और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो फाइव रहेगा लेकिन वैलेंसी जो है वो थ्री हो जाएगी। तो पहले बढ़ी वन टू थ्री फोर, और उसके बाद डिक्रीज हुई थ्री, यहाँ टू हो जाएगी, यहाँ वन हो जाएगी और यहाँ जीरो हो जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट के व्हेनेवर वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी वांट टू फाइंड आउट द ट्रेंड्स अबाउट द वैलेंसी, तो फर्स्ट इज इंक्रीजेस एंड देन इट विल डिक्रीजेस। तो दिस इज अबाउट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। अब हम अगला पॉइंट, अभी जो हमने वहां पर डिस्कस किया एटॉमिक साइज, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए एटॉमिक साइज, जैसे जैसे आप अक्रॉस अ पीरियड चल रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, आपका लेफ्ट और आप ही का राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यू कैन सी हेयर साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा है कि साइज डिक्रीज हो रहा है? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर शेल इंक्रीज नहीं हो रही है, शेल तो दो ही है सब में, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और जो आउटर मोस्ट शेल है उसका, वो इंक्रीज होगा, जिस वजह से आपका जो एटम है उसका साइज थोड़ा सा श्रिंक होगा। एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो दिस इज अबाउट द ट्रेंड्स इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अबाउट द एटॉमिक साइज एंड द वैलेंसी in a period as well as in a group. I hope you will definitely understand this point very much clearly. This is for today. Thank you and have a good day.